अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर राजा शराज हाँ। डॉक्टर शराजी के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल में वेलकम। और दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप सब कैसे हैं, आपके हाल चाल कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। दोस्तों, आज हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि मेल इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मच्योर इजैकुलेशन, इन सब जैसी जो मेल में अलामात हैं, मर्दाना बांझपन है, मनी का पतलापन है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, पट्ठों की कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, इन सब का एक ही टैबलेट से ट्रीटमेंट होगा जो कि एक ही डब्बी की शक्ल में होती हैं। इन सब का ट्रीटमेंट इस मेडिसिन से हो जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कर दें ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो डालूं तो आप मेरी उस वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टैबलेट लिबी ग्रो के बारे में बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसकी प्राइस क्या है और ये आपको कहाँ से मिल सकती है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों, टैबलेट लिबी ग्रो होम्योपैथिक के स्टोर से आपको मिल जाएगी और ये पाकिस्तान में ज़्यादातर मिलेगी। बाहर की कंट्री का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये बाहर से मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी प्राइस 1850 रुपये है और ये सुबह शाम टैबलेट खानी होती है। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, मर्दाना बांझपन का मसला है, मनी का पतलापन है, स्पर्म की कमज़ोरी है, अगर स्पर्म डेड हो चुके हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सुबह शाम आपने ये खानी होती हैं और कम से कम इसका 3 मंथ रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है तो आपको जो मेल इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, प्री मच्योर इजैकुलेशन जैसी अलामात का अगर आपको मसला है तो इन सब अलामात का इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर मनी का पतलापन है तो आप इसका सुबह शाम इस्तेमाल करें कम से कम 3 से 4 मंथ, और साथ आप दमियाना ट्यूब पावर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप को कहीं से शबाबे मजून अवेल मिल सकता है, अगर पाकिस्तान में तो शबाबे मजून मिल सकता है, बाहर की कंट्री का मैं कुछ नहीं कह सकता, शबाबे मजून का आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सिर्फ ये टैबलेट्स ही बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप 2 मंथ में रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो साथ आप शबाबे मजून यूज़ कर लें और साथ दामियाना मदर टिंचर यूज़ कर लें, चाहे तो डॉक्टर मसूद की कंपनी का यूज़ कर लें और अगर चाहे तो डॉक्टर एक्वेज का या WS का आप यूज़ कर सकते हैं। WS का अगर आप लेंगे तो उसकी प्राइस 550 तक होगी। अगर आप डॉक्टर मसूद का लेंगे तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 250 रुपये तक आपको मिल जाएगा। और उसका तरीका इस्तेमाल आपने 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। और टैबलेट लिबी ग्रो आपने सुबह शाम दूध के साथ खानी है, खाना खाने के बाद। शबाबे मजून अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी खाना खाने के बाद आपने यूज़ करना है। अगर टैबलेट लिबी ग्रो आपने यूज़ करनी है तो वो भी आपने सुबह शाम यूज़ करनी है। और अगर साथ दामियाना मदर टिंचर यूज़ करेंगे तो वो आपने सुबह, दोपहर, शाम आपने यूज़ करना है। तो आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी, जड़ से इस मर्ज़ का खात्मा हो जाएगा। तो आपको जो मेल इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, प्री मच्योर इजैकुलेशन, इन सब जैसी जो अलामात हैं उस मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी और आप सेहतयाब नज़र आएंगे। जिस्मानी असाबी कमज़ोरी का अगर मसला है, पट्ठों की कमज़ोरी है, टांगों में खिंचाव सा लगा रहता है, लो ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इन सब बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, यही था फिर मेरा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरी वीडियो को देख सकें और वो इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर उनमें से किसी को प्री मच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, मेल इनफर्टिलिटी का मसला है, ओलिगोस्पर्मा का मसला है, तो वो इस मेडिसिन को यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हैं, मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके मतलब बनाऊंगा। और दोस्तों, आप अगर मुझे मैसेज करना चाहें तो मुझे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो शाम को मैं इवनिंग टाइम क्लिनिक पे बिज़ी होता हूँ, इसलिए मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे सकता।
दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।